Goa. जहाँ इतिहास भी है और आधुनिकता भी, एक तरफ सदियों की संजोई धरोहर तो दूसरी तरफ नवीनतम इमारतें, एक तरफ चहल पहल से भरी रातें तो दूसरी तरफ समुद्र और चट्टानों से खिलती सुबह। शायद ही कोई होगा जो गोवा की इस विविध छवि को ना जानता हो। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकासशील नेतृत्व में भारत प्रगति की ओर उन्नति के नए परचम गाड़ रहा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री माननीय श्री नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में मानव सड़क विकास ने एक नई परिभाषा पाई है। वहीं गोवा भी अपने ऊर्जावान मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी के कुशल नेतृत्व में भारत से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है। गोवा में विकास के कुछ नए मील के पत्थर लोकप्रिय किए गए हैं। इनमें से कुछ शीघ्र ही जनता को समर्पित किए जाएंगे। पहला NH66 पात्रा देवी से कारसवाड़ा और NH66 कारसवाड़ा से बम्बोलेम। NH66 का विस्तारीकरण पात्रा देवी से कारसवाड़ा के बीच हो रहा है। 25.5 किलोमीटर की कुल लंबाई वाले इस राज्य मार्ग का 18 किलोमीटर तक पुनः निर्माण हो भी चुका है। 634 करोड़ की लागत वाली यह परियोजना जल्द ही जन साधारण के उपयोग में आ जाएगी। NH66 पर कारसवाड़ा से बम्बोलेम की दूरी भी अब 4 लेन वाली विस्तृत सड़कों पर तय की जाएगी। 853 करोड़ की लागत से बने इस राज्य मार्ग का 13 किलोमीटर तक पुनः निर्माण हो भी चुका है। दूसरा, मरगांव पश्चिमी बाईपास। लगभग 9 किलोमीटर का यह बाईपास मरगांव को उत्तर और दक्षिण गोवा के भीषण ट्रैफिक से निजात दिलाएगा। 5.7 किलोमीटर का निर्माण पूर्ण भी हो चुका है और इसका परिणाम नवंबर में दिखने भी लगा है। 354 करोड़ की लागत से बने इस बाईपास का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है। तीसरा, पोर्ट कनेक्टिविटी रोड। बंदरगाह और थल को जोड़ती यह सड़क यातायात जन सामान्य और उद्योग जगत को जोड़ने वाली कड़ी बनेगी। गोवा को सड़ा और MPT से जोड़ती यह लगभग 8 किलोमीटर की लंबाई वाली सड़क का 5 किलोमीटर तक का निर्माण भी हो चुका है। 546 करोड़ की लागत से बनी यह सड़क उद्योग और जन सामान्य दोनों की ही दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कड़ी है। उसी के साथ 3 नए परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया है। पहला, मोपा एयरपोर्ट कनेक्टिविटी रोड। ये 6 लेन हाईवे मोपा एयरपोर्ट को NH66 से जोड़ेगा और पूरी गति से इसका कार्य समाप्त कर इसे जनता की सेवा में प्रस्तुत किया जाएगा। 1183 करोड़ की लागत से बने इस रोड की कुल लंबाई 6.58 किलोमीटर है। दूसरा, 6 सेंट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड वर्क्स। यह 6 की 6 परियोजनाएं भारत सरकार की योजना सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड द्वारा प्रायोजित की गई हैं। 80 करोड़ के इस इंफ्रास्ट्रक्चर की कुल लंबाई 75 किलोमीटर है। तीसरा, जुआरी ब्रिज का ऑब्जर्वेटरी टावर। नदी को बांधता जुआरी ब्रिज न सिर्फ यात्रा की दृष्टि से बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी एक मनोरम निर्माण है। ये 2 टावर्स और उनमें बने रेस्टोरेंट सुबह और शाम का ऐसा अद्भुत दृश्य दिखाएंगे कि मन रूम सा हो जाएगा। 125 मीटर की ऊंचाई और 270 करोड़ की लागत से बने ये 2 ऑब्जर्वेटरी टावर पर्यटकों को चारों दिशा के भव्य दर्शन करवाएंगे। विकास की ये यात्रा देश के राज्य मार्गों की तरह ही तेजी से आगे बढ़ रही है। भारत और गोवा प्रगति की ओर बाहें खोले आगे बढ़ रहे हैं। जय हिंद, जय गोवा।